उस दिन दो लोग ही थे ना। सर वो मैं पहले इन्फॉर्म नहीं कर पाई, कुछ पर्सनल इश्यूज हो गए थे, दैट्स व्हाई। अच्छा, कोई बात नहीं, चलो वो तो आती रहती है, कई प्रॉब्लम्स हो गया है कि आपकी ऑलरेडी क्लास की स्ट्रेंथ कम है ना, तो यस बीच सर, में दो तीन भी चले जाते हैं तो ऐसे लगता है कि बहुत से एब्सेंट है। निखिल वैसे नहीं आता है, पता नहीं क्या बात है, उसको कोई उसका इंटरेस्ट नहीं है इसमें। अब तो ये क्या है कि मुश्किल हो जाएगा ना ऐसे उन लोगों के लिए जो एब्सेंट रहते हैं फिर लेक्चर। तो ये मेरा ये मैं आपको मैनुअल तो ये मिल गया हुआ है ना, वो प्रैक्टिकल वाला, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग यस मॉर्निंग। सर, मिल गया हुआ है। और ये लेक्चर भी मेरे जो रिकॉर्डिंग होते हैं ये मैं साथ साथ ही डाल देता हूँ, यूट्यूब पे भी डाल देता हूँ, यस ठीक है सर, ना। उसमें भी अगर कोई चीज़ आपको देखनी है, कुछ ऐसा है तो आप देख सकते हैं उसमें ना। और ये माइक्रोसॉफ्ट में भी अवेलेबल होंगे, ठीक यस है सर, ना। तो ये मेरा ये है कि क्योंकि अभी हम ज़्यादा तो ऑनलाइन रहते हैं और ऑफ दी वीडियो रहता है, लेकिन क्या कि आई टू आई कांटेक्ट नहीं हो रहा और पर्सनल ऐसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, तो लेकिन मतलब आप नोट जरूर किया करो। अंकिता तो मेरे को पता है कि कर रही है साथ साथ में नोट, लेकिन बाकी भी जैसे ये पारखी वगैरह और स्वाति, ये आप भी, सज्जन सिंह अभी आए नहीं है, तो मतलब ये है कि जो मैं बोलता हूँ ना उसको यू मस्ट नोट इट, क्योंकि अभी मैं देख तो पाता नहीं कि वेदर यू आर नोटिंग इट आर नॉट। नो डाउट कि ये आपको मटेरियल तो अवेलेबल हो ही जाता है, लेकिन नोट करने से क्या रहता है कि इट क्रिएट्स द रिविज़न, आपकी रिविज़न होती है, कोई वर्ड्स आप लिखते हो, कुछ पूछते हो, ठीक है ना, तो इंटरेस्ट उसमें बना रहता है। एक साइलेंट स्पेक्टेटर जो, सॉरी, ये आप सुनते ही जो है उससे नहीं बात बनती, क्योंकि सुनने से तो आपके निकल जाएगा, लेकिन अगर आप लिखोगे ना तो उसमें आपको कंसंट्रेशन बनती है और एक आपके अटेंशन बनती है, ठीक है ना, दो चीज़ें हैं। अब ये क्या है कि ये तो ऑनलाइन है तो इसमें मैं आपको इंसिस्ट भी नहीं कर सकता कि आप वीडियो में ही बात करो या ऐसे कि मैं आपके एक्शंस देखूं, ठीक है ना। तो दैट आप तो आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें तो आपको खुद ही इन चीज़ों को करना है कि क्योंकि एक फेथ क्रिएट होता है कि मैं यही मान के चल रहा हूँ कि यू आर अटेंडिंग माई लेक्चर, ठीक है ना, अटेंटिवली। ये अटेंड करना और वो अलग चीज़ है ना कि आप अटेंड तो कर रहे हो लेकिन आप कुछ और कर रहे हो, बट यू मस्ट अटेंड इट टेंटेटिवली, क्योंकि एक इंटरेस्ट, और दूसरा है कि आप कभी भी हमारी ये कन्वर्सेशन होती है, जैसे मैं कोई चीज़ आपको पूछता तो यू मस्ट पार्टिसिपेट, मतलब कुछ ये जरूरी नहीं है, इट डजेंट मैटर कि आपको आता है नहीं आता, वो दैट इज़ द सेपरेट इशू, वो कोई नॉलेज नहीं मैं टेस्ट करता कभी आपका, ठीक है ना। नॉलेज की वजह बात नहीं होती, क्योंकि मैं आपकी तो अभी लर्निंग स्टेज है, आपको बड़ा कुछ सीखना है, ठीक है ना। लेकिन एक कन्वर्सेशन से ये होता है कि एक आपकी हेसिटेशन निकलती है, दूसरा एक आप अपने व्यूज एक्सप्रेस करते हो, जरूरी नहीं होता कि जो आप अपने व्यूज एक्सप्रेस कर रहे हो कोई भी करता है, तो वो मतलब उसको फ्रॉम द नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से वो कोई बात कर रहा है, तो एक क्या है कि ये आपकी स्पीकिंग जो पावर है उसको बढ़ाता है, ठीक है ना। आपके आपके माइंड में क्या आइडिया है। अब हम हमारे एग्रीकल्चर का डिस्कस करते हैं तो जनरली डिस्कस करते हैं जो कुछ आपने देखा होता है, मैं आपके एरिया का पूछता हूँ कि आपके एरिया में क्या है, क्योंकि एक दूसरे को वैसे भी, क्योंकि अभी आपकी तो जो क्लास ही छोटी है, एक आप पर्टिकुलर बेल्ट से हो, लेकिन सपोज कर लो कि आपके 30-35 स्टूडेंट्स हों, 40 स्टूडेंट्स हों और डिफरेंट बेल्ट से हों, क्योंकि एग्रीकल्चर का आपको पता है कि डिफरेंट बेल्ट से डिफरेंट एक मतलब एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, क्रॉपिंग पैटर्न होता है एक अलग अलग, तो वो क्या होता है कि एक दूसरे से एक्सचेंज होती हैं ये चीज़ें, ठीक है ना। वन शुड एक्सचेंज दी मतलब अपने व्यूज अपने एरिया का बताना चाहिए कि ऐसा है, ठीक है ना, हमारा ऐसा कल्चर, हमारा ऐसा ट्रेडिशन, हमारा ऐसा सिस्टम है। तो यही तो होता है जब एक आपको तभी, चलो छोटे हो आपको नहीं पता, जब हाई लेवल पे
डिफरेंट, जैसे मैं ही जाता था, मैं ट्रेनिंग पे जाता था अपने अपने इससे बैंक से, तो मैं जैसे मैं इधर लखनऊ में जाता था, पूना में जाता था, बॉम्बे में जाता था, तो डिफरेंट स्टेट्स के स्टूडेंट्स आते थे, ठीक है ना। जैसे मैं इधर नदर्न स्टेट्स का ही होता था, नदर्न स्टेट्स में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, उनमें से मैं ही एक अकेला रहता था, और दूसरा फिर वो सदर्न स्टेट से बुलाते थे, ऐसे हेटरोजेनियस ग्रुप रहता था, तो हमारी एक डिस्कशन होती थी आपस में, तो हमें अपने व्यूज बताने होते थे कि हमारी स्टेट में क्या है, वो बताते थे हमारी स्टेट में क्या है। तो इससे क्या होता है कि व्हेन वी एक्सचेंज दी आइडियाज, ठीक है ना, एक तो हमारी एसिटेशन निकलती है, दूसरा एक दूसरे को पता चलता है, ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, टाइम मिलता है आपको डिस्कशन का। आजकल आप देखते हो कि आप टीवी पे बहुत सी आप डिबेट्स देख रहे होंगे टीवी पे, आजकल कितना काम टीवी पे डिबेट्स का ऑनलाइन ही चल रहा है ना, वो बैठा कोई कहीं होता है, एक स्टूडियो में होता है, बाकी अपने अपने घर में बैठे होते हैं, बट दे आर पार्टिसिपेटिंग, इट अपियर्स कि वो एक ही जगह बैठे हुए हैं। तो यही सेम टाइप ऑफ जो सिचुएशन है आपकी भी, कि हम कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं लेकिन आपस में एक जुड़े हुए हैं इससे ऑनलाइन सिस्टम से। तो ये था जो मैं क्या कि आई कैन ओनली एडवाइज यू कि मैं इस सब चीज़ें आई कैन नॉट ट्रेन फोर्स यू, ठीक है ना। आपका मैं आपने मेरे को देखा ही अभी तक, आपके साथ 2 साल की एसोसिएशन हो गई है मेरी, तो मैं कोई इन्फोर्स नहीं करता कभी भी किसी को कि नहीं आप ये करो, जब मेरा ना आई एम नॉट ए एक्चुअली बेसिकली ए टीचर, ठीक है ना, उस तरह की मेरी हैबिट्स नहीं है, तो मैं तो एक बड़ा फ्रीली हूँ, मतलब आई ऑलवेज वेलकम यू कि आप मेरे से बात करो, कुछ पूछो, कुछ पार्टिसिपेट करो, और हमें मतलब होता है कि एक आपकी हेसिटेशन निकले, एक आपको नॉलेज गेन हो, और प्रैक्टिकल मैं ज़्यादा चाहता हूँ, आई ऑलवेज इंसिस्ट ऑन प्रैक्टिकल। आपने देखा है कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि आपको इन टच करने की, प्लांट्स के साथ, सभी चीज़ों के साथ। तो ये एक कंपनी है क्योंकि मेरा इन चीज़ का, मैं काफ़ी इन चीज़ों से निकल चुका हूँ, ठीक है ना। मैं आई कैन नॉट इन्फोर्स यू क्योंकि यू हैव द लिबर्टी इन ईच एंड एवरी स्फीयर। मैं वो डंडा पकड़ के नहीं आपको कभी भी करवाऊंगा कि नहीं आप ये करो या ऐसा करो, ठीक है। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड माई व्यूज़ कि मैं क्या चाहता हूँ क्या, तो ये और सिंसियरली करो। मैं ये अभी भी आज आपको एक मेरी एडवाइस है एज एल्डर कि जो भी काम करना है आप विद फुल इंटेग्रिटी, विद ऑनेस्टी और विद फुल डिवोशन, ये 3 4 चीज़ें हैं, विद फुल डिवोशन करो, फुल इंटेग्रिटी करो, ऑनेस्टी से करो, ठीक है ना, तो यू विल गेट द रिजल्ट्स। ये ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड, कभी भी लाइफ में फ्रस्ट्रेट नहीं होना, स्ट्रगल करना है लाइफ में। लाइफ में बहुत कुछ आएगा, है बहुत सी चैलेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में फेस करने के, तो कभी भी यू शुड नॉट डिस्करेज योर सेल्फ, कभी भी डिस्करेज नहीं होना, ठीक है ना। ऑलवेज गेट इनकरेज कि मेरे को ये काम करना है और करना ही है, ठीक है ना, और एक डिटर्मिनेशन से करो, और आपका एक गोल टारगेट ये होना चाहिए कि मेरे को ये काम करना और आई हैव टू अचीव द टारगेट, ठीक है ना। कोई भी लेके चलो एम लाइफ में जो भी है आपको, तो सडनली यू विल गेट। मैं तो बड़ा देखा है कि आई हैव प्रूव्ड इट, और मेरे साथ हुआ है कि मैं जो डिटर्मिनेशन कर लेता हूँ, जो मैंने आज सोचा हुआ है कि मेरे को क्या क्या करना है, ठीक है ना, तो आई गेट इट डन इट, ठीक है ना। ये कभी नहीं हुआ कि मैं ना करूं क्योंकि मेरी डिटर्मिनेशन है कि मेरे को करना है। बड़ी आएंगी, बड़ी पोजीशंस ऑकवर्ड आती हैं, बड़ी सिचुएशंस आती हैं, ठीक है ना, लेकिन कभी भी मैं यू शुड नॉट बी डिस्करेज, कभी भी हालात के साथ आपको सामना करना है, ठीक है ना। अभी जैसे कोविड आया हुआ है, तो कोविड-19 क्या है, क्या दिस इज द चैलेंज, दिस इज द लेसन टू यू, ये हम एक नेचर ने आपको एक लेसन भेजा है, ठीक है ना, हाउ टू कूप अप विद एंड वट आर दी शॉर्ट कमिंग्स बिकॉज ऑफ विद दिस कोविड-19 हैज कम, वायरस आई है, ठीक है ना, आगे और भी कई ऐसी चीज़ें आती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हमें लेसन दिया है नेचर ने कि हमें, आपको देखो कि जैसे एक मास्क डालने की आदत डाल दी, ठीक है ना, तो मास्क क्या है कि दिस इज वेरी असेंशियल, अभी भी आप बाहर जाते हो तो यू शुड कैरी विद यू द मास्क,
क्योंकि ये इससे क्या रहता है कि एटलीस्ट ये वायरस तो दैट इज द सेपरेट इशू, आपका डस्ट नहीं अंदर जाएगा, क्योंकि ये बहुत सी जो डिजीजेज आपको कईयों को एलर्जी हो जाती है किसी चीज़ में, तो डस्ट से बहुत होती है। डस्ट देखो मैं कई बार घर पे भी बात करता हूँ, तो और आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं, गोइंग टू बी दी एग्रीकल्चरिस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन, तो कभी भी मैं जो ये सॉयल है, जो मिट्टी है, जो आप देखते हो कि ये हमारी मातृभूमि है, ठीक है ना, ये एक इसमें कितनी शक्ति है, आपने कभी इसको मेजन किया है? हैव यू एवर मेजन्ड, कभी आपने इसकी जो ताकत है अपने धरती माता की, इसकी ताकत को जाना है कभी? बताओ, कभी कभी इस चीज को जज किया आपने कि कितनी इसमें ताकत है? कैसे, कोई बता सकते हो मेरे को कि क्यों इसमें इतनी ताकत है, क्या किस पॉइंट ऑफ व्यू से ताकत मैं कह रहा हूँ? सर ये ग्रेन्स को ग्रो करवाती है। हाँ देखो ना, कितनी हमें ये इसमें हमें खाने के लिए चीजें धरती माता से कितनी मिलती हैं। आप देखो, धरती अगर ये ना हो तो हम काम इसके क्रॉप्स की, आपकी प्रोडक्शन, आपके साथ एग्रीकल्चर से कितनी रिलेटेड है ये चीज, ठीक है ना। मिट्टी जो है, मिट्टी से कितनी शक्ति है उसमें के अंदर की, कोई आप बीज बोते हो, आप बीज जो है एक आपको सीड दिखाई देता है, तो सीड को आप इमेजिन कर सकते हो कि एक छोटा सा सीड एक इतना बड़ा प्लांट बनेगा कभी? ये भी एक मतलब क्या मैजिक से ज्यादा नहीं है चीज, कि एक सीड पड़ा हुआ है, एक सीड आपके घर में, एक छोटा सा सीड आपने हथेली पे लिया, और उस सीड से एक इतना बड़ा पेड़ बन रहा है। जब आप एक गेहूं का ही ले लो, आप गेहूं का सीड की छोटा सा है, और कितना जी उससे सर, एक सीड से कितने सीड जनरेट होते हैं, और कितना बड़ा प्लांट तैयार होता है, और उस सीड के अंदर कितना पोटेंशियल है, आप ये देखने वाली चीज है कि उस सीड के अंदर कितनी एनर्जी है। जब उसको कंडीशन कंडीशंस मिलती हैं तो वो स्प्राउट करता है और एक प्लांट बनता है, और फिर उस प्लांट के बाद उसकी प्रोडक्शन, जो सीड प्रोडक्शन होती है, तो कितनी बड़ी एक मैजिक नहीं है? कोई मैं इसको आपको हथेली पे रख के आप बोलो कि ये एक पौधा है, तो आपको ऐसे कि नहीं, ये एक पौधा नहीं, ये एक सीड है, लेकिन वर्चुअली तो वो एक लिविंग क्रिएचर है। सीड सीड इटसेल्फ इज लिविंग क्रिएचर, और उससे एक बहुत बड़ा प्लांट निकलता है, और जिससे इतनी बड़ी मतलब प्रोडक्शन होती है, तो कितनी बड़ी ये चीज़ है। और दूसरा है कि जो आप जो मिट्टी है इसमें, मैं क्योंकि मैं तो डेली काम करता हूँ ना, मेरे हाथों को अगर आप देखो तो मैं डेली आई टुक दी सॉयल इन माई हैंड, ठीक है ना, मेरे मेरे मतलब बाई नेचर है मेरे में, जब तक कि मैं उसको मिट्टी के साथ हाथों में पकड़ ना लूँ, खेल ना लूँ उसमें, ठीक है ना, तो आई गेट दी एनर्जी फ्रॉम दैट, क्योंकि मैं डेली बहुत इसमें मिट्टी के साथ काम करता हूँ। लेकिन ये नहीं है कि आप मिट्टी जो है, मैं अगर आप मैं उसको आपके अंदर जाती है तो वो खराब करती है, तो ये जो मिट्टी है ये भी मैं कहता हूँ कि बच्चे को, जैसे आपके तो गांव के बहुत से रूरल टच है, तो बच्चे जो है मिट्टी के साथ खेलते हैं, तो दे गेट दी एनर्जी फ्रॉम दैट, क्योंकि अगर जब अगर आप उसको अवॉइड करोगे, इफ यू विल अवॉइड दैट सॉइल, ठीक है ना, अगर उसको मैं, तो बच्चा जो है बीमार होगा, वो कभी भी ही कैन नॉट बी हेल्दी। अभी आपने देखा होगा कि जो जिनको हम पुअर पीपल बोल देते हैं जी, ये तो ऐसे ही अपने बच्चों को छोड़ा हुआ है, तो देखा उनके बच्चे कितने स्ट्रोंग होते हैं, कभी लेबर क्लास के बच्चे देखे हैं कि मैन दे आर प्लेइंग ऑन दिस सॉइल, और उनको कोई बीमारी भी नहीं होती, अनटिल अनलेस दे गेट दी मतलब वो सॉइल अगर अपने अंदर ले जाए, तो इवन देन दैट डजंट हैपन। लेकिन कई बार होता है कि चेस्ट में प्रॉब्लम कर सकती है, डस्ट जो है डस्ट मतलब करती है। तो मेरा ये सिर्फ ये जो 5-10 मिनट में हमेशा ही लगाता हूँ, मेरे दिल में आ जाता है, मैं कोई टॉपिक्स ये नहीं कोई मैंने तैयार किया होता है आपके साथ कभी भी डिस्कस करने का, तो आपकी बातों से जो आपके है उसमें से निकलता है। और आई ऑलवेज, अभी आपने मेरा देखा है कि सिंस यू आर इन टच विद मी, जब से आप मेरे टच में हैं, तो मैं जरूर 5-10 मिनट लगाता हूँ इसमें, दैट इज़ माई हैबिट, और मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलती है कि मैं आपको कुछ दे दूँ, ठीक है ना। और कभी भी ये मैं आपको आज लाइफ में एक चीज़ बताऊं कि कभी भी आप लेने की इच्छा कभी ना रखना अपने लाइफ में, देने की इच्छा जरूर रखना कि किसी को कुछ दे हो, ठीक है ना, कुछ लेने का कभी ना रखना, किसी से आस इस चीज़ की ना करना कि वो मेरे को तो कुछ देता नहीं है, मैं ही उसको दे रहा हूँ। इस चीज़ को करोगे
तो यू विल नॉट गेट एम फुलफिल्ड इन योर लाइफ। तो देने की ही हमेशा रखो अपने में कि मेरे को कुछ देना ही है, ठीक है ना। लेने की नहीं कभी भी आस रखना कि मैं तो ये आप मतलब आप अगर जब स्कूलों में कई जगह ये इसको पढ़ाया भी जाता है कि मेरे को ये भगवान मेरे को इतनी शक्ति देना, ठीक है ना। तो ये इस चीज़ का ये है, ये चीज़ें सब जो है आपको अगर हैबिट रखोगे तो यू विल गेट स्ट्रॉन्ग इन योर लाइफ। आपका जो मेंटली आप बहुत साउंड हो जाओगे। मेंटली साउंडनेस बहुत बड़ी बात है, फिजिकल फिटनेस तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिजिकली फिटनेस के साथ आप मेंटली भी साउंड होने चाहिए, ठीक है ना। अगर दोनों चीज़ें ये चलेंगी तो ये बहुत होता है। आप देखो मैं सिर्फ 1 मिनट लेने के बाद मैं कहूँगा कि ये जो क्रिकेटर्स हैं या गेम वाले हैं जितने भी जो स्पोर्ट्समैन गेम खेलते हैं, अभी आपने देखा है कि दे फिजिकली तो फिट रहते ही हैं, फिजिकली यस तो वो फिट होते हैं, हमारे से तो कई फिट है। मैं तो बड़ा देखता हूँ इन चीज़ों को, फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी की कितनी उनमें है, और लेकिन वो मेंटली भी साउंड होते हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा साउंड होते हैं, और मेंटली साउंडनेस से ही वो खेल पाते हैं। अगर वो मेंटली यस साउंड ना हो और फिजिकली फिटनेस की तो अलग बात है ना। आप क्रिकेट में ही देख लो, अगर जो जैसे तेंदुलकर हुए हैं, विराट कोहली हुए हैं, उनकी मेंटली साउंडनेस बहुत ज़्यादा है कि वो तभी तो इस टारगेट्स को इसको अचीव कर पाए हैं, कभी अपने वो टारगेट्स नहीं हटे, ठीक है। तो चलो यही ये था जो मैं यही आपको है आया आई विल ऑलवेज एडवाइस यू, कभी मैं आपको इन्फोर्स नहीं करूँगा कोई भी चीज़, दैट डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है ना। क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम है हमारा, कोई चीज़ हम इन्फोर्स नहीं कर सकते, और अभी आप बच्चे नहीं हो, ठीक है ना। यू आर ग्रोन अप और आपको अपना जो भला बुरा, क्योंकि आजकल कहते भी हैं बच्चे ये कहते हैं कि मेरे को पता है, जो ग्रोन अप हैं स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि मेरे को पता है अपनी लाइफ का कि मेरे लिए बुरी चीज़ क्या है और अच्छी क्या है, ठीक है ना। तो हम तो अच्छी चीज़ बता सकते हैं आपको, बुरी का मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि यू शुड गेट इट अडॉप्ट इन योर लाइफ, और आपको आगे बहुत कुछ करना है लाइफ में, बहुत आगे बढ़ना है, बहुत कुछ सीखना है, ठीक है ना। आप तो मेरी एज में जब होंगे तो यू विल बी मोर मोर इंटेलिजेंट देन मी, ठीक है ना। ये नहीं है, ये तो मैं जो आपके साथ शेयर करूँ कि आई एम नॉट इंटेलिजेंट, ये इंटेलिजेंस ही कुछ नहीं शेयर कर रहा, दिस इज माई एक्सपीरियंस, मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कभी भी, क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ सब कुछ आ जाता है, ठीक है ना। तो ये आप ना ध्यान से 5-10 मिनट जो भी यस सर है तो मैं कभी भी ये नहीं चीज़ एक्सपेक्ट करता, और कभी भी मैं जब आपसे अनॉयड होता हूँ किसी चीज़ के लिए, तो वो तो आपके पेरेंट्स भी होते हैं, तो ठीक है ना, कुछ सिखाने के यस लिए होते हैं, ठीक है ना। तो व्हेन एवर आई गेट अनॉयड विद यू, क्योंकि आपने देखा है कि कई बार आई गेट शॉर्ट टेम्पर्ड, तो वो एक टेम्प्रेरी फेज होता है मेरा लाइफ का, वो मतलब उस मोमेंट का, ये नहीं है कि मैं आपके साथ, मेरे को क्या है आपके साथ गुस्सा करने का या आपसे करने का, सिर्फ आपको सिखाने के लिए कि यू गेट द लेसन फ्रॉम दैट कि आप हमेशा अटेंटिव रहें। तो ठीक है, ये था कि मैं अभी हम दिस इज योर क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का है कोर्स, इसमें हम स्लोली एंड स्लोली हम पल्सिस कर रहे थे, ठीक है ना। आगे यस आपका फिर ये फाइबर क्रॉप्स भी हैं, पल्सिस में अभी हमने थिंक कि वी हैव कंप्लीटेड दिस मूंग बीन, ठीक है ना। मूंग बीन वी हैव डिस्कस्ड, नाउ वी आर कमिंग टू दी माश जो उर्द बीन होती है, ठीक है ना। यही है ना, मेकअप मूंग तो हमने कर लिया ना डिस्कस, ग्राउंडनट का जो रह गया वो आई विल गेट इट कम्प्लीटेड इसके बाद ही। तो जो माश है तो ये यही रहता है ना, मैं वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मूंग बीन ना, मूंग बीन हमने डिस्कस कर लिया था क्यों, है यस ना। तो ये अभी हमें करना है दिस माश, माश भी बोलते हैं इसको, उर्द बीन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये मैं ये पल्सेस हैं, इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है, आप देख ही रहे हो कि आजकल पल्सेस की बहुत ही इम्पोर्टेंस है, पल्सेस को गवर्नमेंट इज गोइंग मतलब लॉट ऑफ स्ट्रेस, मैंने उस दिन आपको बताया था कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सब कर रहे हैं कि इसकी जो है मतलब प्रोडक्शन बढ़े,
हमारे देश में प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा है और कंजम्पशन भी सबसे ज़्यादा है, इवन देन वी आर नॉट गेटिंग ए फुल डिमांड टू मीट फुल डिमांड, वी हैव द शॉर्ट कमिंग देयर देयर। तो ये क्या है कि पल्सिस की हमारी एक फूड है एज कम्पेयर टू द अदर यूरोपियन कंट्रीज, तो तभी आप देखते हो कि पल्सिस के रेट्स हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। वो ज़्यादा इसलिए है कि एक प्रोडक्शन कम है ना, तो जैसे हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से कंजम्पशन बहुत है, क्योंकि हमारा ये फूड है एज ए फूड, वो हम इसको लेते हैं, क्योंकि घर में हर एक के हमारे जो नॉर्थ साइड है सभी जगह दाल तो जरूर एक टाइम में बनती है, तो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। दूसरा ये इट इज़ इन रिच इन प्रोटीन, ठीक है ना हमें। और अभी जैसे मैंने कहा था कि मैं बीच बीच में कि ये इसकी MSP जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो पल्सिस की भी फिक्स कर दी हुई है गवर्नमेंट ने कि इस लेवल से कम नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट डजंट परचेज इट, लेकिन गवर्नमेंट ने इसकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है फिक्स की हुई है। तो अभी ये जो माश है, माश तो आप सबने घर में भी आप ये उड़द की जो दाल है सब खाते ही है ना, एवरीबॉडी नोज इट। इसका जो भी यस है जो सीड है जो इसका ग्रेन है, एवरीबॉडी इज फेमिलियर विद इट, इसके ग्रेन के साथ सभी फेमिलियर ही हैं। ये काले रंग की होती है, इसकी पॉड्स भी आपने जैसे जस्ट लाइक जैसे मूंग का है, तो मतलब सिमिलर करेक्टर्स है मूंग और माश का। जो अगर आप देखें तो इनकी सिर्फ जो पॉड्स हैं पॉड्स में डिफरेंस है, बाकी अपीयरेंस जो प्लांट की है मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स दे आर द सेम। तो अभी हम डिस्कस करेंगे माश जो इसको हम उर्द बीन भी कहते हैं, इसका रीज़न क्या है इन शॉर्ट में करेंगे, क्योंकि हम अभी हम आपकी क्रॉप्स काफ़ी हैं, आगे कॉटन फिर हमें डिस्कस करना है, आज कॉटन भी हम टच करेंगे। तो ये अभी वी विल कंटिन्यू विद दिस माश, माश जो ऑलरेडी यू नो अबाउट इट, तो इसका व्हाट इज, मैंने आपको थोड़ा इसका जो इन शॉर्ट है रीजन वगैरह मैंने भेजा हुआ है कि वेयर फ्रॉम इट हैज ओरिजिनेटेड, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैंने भेजा था कुछ दिन पहले, सो विल सी कि इट्स रीजन क्या है। तो आप इसमें लिख लो फर्स्ट ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, इसको ब्लैक ग्राम भी बोलते हैं, ये बड़े नाम कई बार चेंज होके आते हैं, ब्लैक ग्राम, ठीक है ना, ब्लैक ग्राम भी बोलते हैं इसको, उर्द बीन भी बोलते हैं और माश भी बोलते हैं, MASH माश, देन ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक ग्राम, ठीक है। तो ओरिजिन इसका है कि ब्लैक ग्राम इज नेटिव ऑफ इंडिया, ये मोस्टली ये जितनी भी आप देख रहे हो क्रॉप्स जो देख रहे हो दे आर द नेटिव ऑफ इंडिया, ये सॉरी पल्सिस, ओरिजिन इज ब्लैक ग्राम इज नेटिव ऑफ इंडिया, देन डिस्ट्रीब्यूशन वेयर इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अदर पार्ट्स, तो जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है दो कॉन्टिनेंट में है, दो कॉन्टिनेंट है, एक वन इज एशिया एंड अफ्रीका, एशिया एंड अफ्रीका में भी इसकी ये मतलब होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यही है कि इसकी कल्टीवेशन वहाँ पे भी होती है, एशिया एंड अफ्रीका। और देन कमिंग्स टू द कंट्रीज कि किस किस कंट्री में ये इसकी कल्टीवेशन होती है, तो कंट्री में आएगा इंडिया, फर्स्ट इज द इंडिया, देन इज द बांग्लादेश एंड देन पाकिस्तान एंड देन इज म्यांमार, MYAMMAR म्यांमार एंड सिलोन, CELYLOL एंड सिलोन। तो ये है, दीज आर दी कंट्रीज वेयर इट इज बीइंग कल्टिवेटेड एंड कमिंग टू द इंडिया जो स्टेट्स, तो कि इंडिया में कौन कौन सी स्टेट्स में इसको कल्टिवेट करते हैं, तो फर्स्ट इज द MP
मध्य प्रदेश, फर्स्ट इज दी एमपी। एमपी की कैपिटल कौन सी है? डू यू नो अबाउट इट? सर भोपाल। हाँ भोपाल है, ये सब एवरीबॉडी मस्ट नो इट। मैं भोपाल में, आई वॉज इन बैंक है, तो मैं वहाँ पे भोपाल में 3 4 साल रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है ना। तो देन इज दी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की बॉम्बे है महाराष्ट्र। एंड देन इज आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश एपी। एंड नेक्स्ट इज तमिलनाडु, TN तमिलनाडु। देन इज यूपी एंड कर्नाटका। तो दीज आर दी मतलब कंट्रीज एंड देन दी कॉन्टिनेंट्स एंड देन दी स्टेट्स वेयर इट इज बीइंग कल्टिवेटेड। नाउ कमिंग टू इट्स एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस, वी विल कवर नाउ द कल्चरल प्रैक्टिसेस हरेडली, क्योंकि ये दिस इज जस्ट लाइक यो आपका मूंग है, इज इज सिमिलर टू दैट। तो नाउ कमिंग टू दिस मार्श, इसकी आप क्लाइमेट एंड सॉइल रिक्वायरमेंट्स भी लिख लो। क्लाइमेट एंड सॉइल, अब क्लाइमेट का अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाता है ना किसी क्रॉप का क्लाइमेट का, तो आप उसमें, ये जरूरी नहीं है कि आपको कोई याद नहीं रहता, तो इवन देन अकॉर्डिंग टू द सीजन आपको पता ही है कि रबी क्रॉप कौन सी है, खरीफ क्रॉप कौन सी है, क्योंकि अभी जैसे ये विंटर सीजन चल रहा है, तो मतलब है इसको कि जो टेम्परेचर है वो लोअर साइड पे ही इसकी रिक्वायरमेंट होगी। अगर वो खरीफ सीजन में है तो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट इज ऑन दी हायर साइड। तो क्लाइमेट में कई बार आप टेम्परेचर जो है उसका तो आइडिया आपको वैसे ही लग जाता है। तो इसमें है क्लाइमेट एंड सॉयल रिक्वायरमेंट्स में माश, माश मीन्स वुड मीन थ्राइव्स इन ए हॉट एंड ह्यूमिड सीजन। माश थ्राइव्स, THRIV, ये थ्राइव्स मीन्स कि अच्छी तरह से होता है, थ्राइव्स इन ए हॉट एंड ह्यूमिड सीजन। हॉट भी होता है, ह्यूमिड सीजन जो पीछे गया है काफी, देखा ना आपने, हॉट एंड ह्यूमिड था, हॉट भी था और पसीना भी आपको बहुत आता था। मीन्स जुलाई टू अक्टूबर, जुलाई टू अक्टूबर ये जो मंथ रहा है, दिस वॉज वेरी हॉट एंड ह्यूमिड। तो ये हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में हो जाता है। हाउएवर शॉर्ट ड्यूरेशन वराइटीज, आवर शॉर्ट ड्यूरेशन वराइटीज, जो शॉर्ट ड्यूरेशन वराइटीज हैं दैट कैन बी ग्रोन इन दी सेंट्रल एंड सब माउंटेनियस ट्रैक। दैट कैन बी शॉर्ट ड्यूरेशन वराइटीज कैन बी ग्रोन इन दी सेंट्रल, सेंट्रल एंड सब माउंटेनियस, सेंट्रल एंड सब माउंटेनियस ट्रैक्स इन समर। सब माउंटेनियस कैसे है, जैसे हमारा जो ये पठानकोट है दैट इज दी सब माउंटेनियस एरिया, ऐसे ही जो होशियारपुर है ठीक है ना, जो फुट हिल्स पे रहता है, कैन बी ग्रोन इन सेंट्रल एंड सब माउंटेनियस ट्रैक्स इन समर। तो वो कौन सा समर का पीरियड रहेगा? मार्च टू जून। हम जनरली इसको हमारे इधर देखोगे, अगर जितना भी ये सेंट्रल पार्ट है इसमें मार्च से जून में ही लगाते हैं इसको, मार्च टू जून। तो मार्श कैन डू वेल ऑन ऑल सॉइल्स, मार्श कैन डू वेल ऑन ऑल सॉइल्स रेंजिंग फ्रॉम सैंडी लॉम टू हैवी क्ले, सैंडी लॉम टू हैवी क्ले। ranging from
सैंडी लोम, सैंडी लोम जो सॉयल है, सैंडी लोम टू हैवी क्ले, क्ले सॉयल जो होती हैवी क्ले, एक्सेप्ट दी सेलाइन अल्कलाइन, एक्सेप्ट दी सेलाइन अल्कलाइन और वाटर लॉग सॉइल। सेलाइन अल्कलाइन, कभी आपने देखा कि जितनी भी हमने क्रॉप्स पढ़ी हैं तो कोई भी क्रॉप जो है सेलाइन अल्कलाइन सॉइल को टॉलरेट नहीं करती, और वाटर लॉग को भी कोई क्रॉप डजंट टॉलरेट, क्योंकि सेलाइन अल्कलाइन सॉइल में जो साल्ट्स हैं तो वो उसको ये क्रॉप जो है टॉलरेट नहीं कर पाती, दे गेट डिस्ट्रॉयड। इट्स कल्टिवेशन इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, इट्स कल्टिवेशन इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी। ये क्या है इसके, वाई इट इज सो, किसकी कल्टिवेशन से सॉइल की फर्टिलिटी इम्प्रूव हो जाती है, क्यों पारखी बताओ आप, यू टेल मी कि पारखी यस सर। इसकी ये लिखा ना, इट्स कल्टीवेशन, ये लिखा आपने सेंटेंस, इट्स कल्टीवेशन यस इम्प्रूव सर। सॉइल फर्टिलिटी, इसके क्या मतलब है, सॉइल फर्टिलिटी से क्या मतलब है? सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव हो जाती है कल्टीवेशन से नहीं, सर। सॉइल ये सॉइल फर्टिलिटी से क्या मतलब है, सॉइल की फर्टिलिटी इम्प्रूव हो गई तो इससे इससे मैं सॉइल फर्टिलिटी से क्या मतलब समझोगे आप? सर, ये लेग्यूमिनस क्रॉप है और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके हाँ सॉइल देखो ना, में फिक्स ये करती मैं है। पूछना चाह रहा था, ये पार्क की आप भी नो डाउट की आप लिख रहे, लेकिन इसको ना सॉइल फर्टिलिटी का मतलब कि उसका जो सॉइल की क्या बोलोगे फर्टिलिटी से, तो मतलब यही है कि न्यूट्रिएंट कंटेंट्स उसका जो है वो बढ़ इंक्रीज जाता है। कर सॉइल फर्टिलिटी से तो मतलब किसी, अगर हम कहेंगे कि सॉइल की फर्टिलिटी कम है तो फर्टिलिटी का मतलब ये है कि उसमें न्यूट्रेंट्स कम है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश कम है, तो ये इट इम्प्रूव दी सॉइल फर्टिलिटी। और सॉइल टेक्सचर जो होता है, सॉइल टेक्सचर अलग है, जैसे आपका लोमी सॉइल है, सैंडी सॉइल है, तो ये दैट इज द टेक्सचर। ये दो चीजों में मतलब ये आपको पता होना चाहिए कि अगर हम बात करते हैं, जैसे हम ग्रीन मैन्योरिंग से कहते हैं तो कि ग्रीन मैन्योरिंग की अगर हम डालेंगे खाद, जहाँ ऑर्गेनिक मैटर खाद डालेंगे, तो वो दोनों चीजें इम्प्रूव करती है सॉइल, सॉइल की स्ट्रक्चर टेक्सचर को भी चेंज कर देती है, सॉइल की फर्टिलिटी को भी करती है। लेकिन अब जब हम केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं तो दैट ओनली चेंजेस द सॉइल फर्टिलिटी, वो टेक्सचर को नहीं चेंज करती। ये बड़ा इसमें आप ऐसे से क्वेश्चन कोई पूछ सकता है, तो इट्स कल्टीवेशन इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी, जैसे अंकिता ने बताया है ना, ये जो उसमें नॉड्यूल्स रहते हैं तो दे फिक्स द नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफियर, जो बैक्टीरिया रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि ये जो पल्सिस क्रॉप है, पल्सिस क्रॉप से हमें जाता है कि हमें जो नेक्स्ट क्रॉप जो फॉलो करेगी इसके बाद में, जैसे हम ये लगाएंगे अपना, जैसे जी राइस लगाते हैं या वीट लगाते हैं क्रॉप, तो हमें उसमें मतलब जो नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ जाता है, तो इसलिए हमें जो यूरिया वगैरह है, जहाँ जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स हैं वो कम डालने पड़ेंगे। ये है इसका, दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस क्रॉप। तो नेक्स्ट इज, क्योंकि हर जो एक लाइन है, ईच एंड एवरी लाइन साइंटिफिकली लिखी गई है, ऐसे नहीं लिखी गई तो उसका कोई मतलब है, ठीक है ना, कोई भी हर एक लाइन का बहुत बड़ा मतलब है इसमें। तो दी माश वीट रोटेशन इज सुटेबल फॉर इरिगेटेड एरिया, माश वीट रोटेशन इज सुटेबल फॉर इरिगेटेड एरिया, क्योंकि ये एक जो क्रॉप रोटेशन है ये यही होगी ना, माश लगाएंगे उसके बाद में वीट बीट लगाएंगे, ठीक लगाएंगे। है। तो नेक्स्ट इज द इम्प्रूव्ड वराइटीज, व्हाट आर इट्स इम्प्रूव्ड वराइटीज, इसकी कौन कौन सी हैं, ओनली टू वराइटीज आर देयर, क्योंकि इस पे ज़्यादा काम नहीं हुआ हुआ पल्सिस का, और इसमें सबसे जड़ी जो प्रॉब्लम है आप बता सकते हो कि माश में व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम जो माश में फ्रॉम द प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये है कि इसकी यील्ड बहुत कम है, इट्स ओनली 5 to 6 क्विंटल, 3 to 4 क्विंटल्स, नो डाउट इट्स प्राइस इसका काफ़ी है, मिल जाता है, बट प्रोडक्शन बहुत कम है। दूसरा इसकी मार्केटिंग में प्रॉब्लम है, जो मैंने बताया था कि जब आप इसको मार्केट में लेके जाते हो तो नो यस डाउट सर। कि एमएसपी फिक्स है, लेकिन आप फार्मर को
प्राइस नहीं मिलता इसका, तो दैट्स व्हाई द फार्मर इज नॉट कमिंग फॉरवर्ड फॉर इट्स कल्टीवेशन। तो इसकी एक वैरायटी है माश 114, 114 2008 में रिलीज हुई है। तो इसकी जो ग्रेन एवरेज यील्ड है दैट इज देखो कितनी कम है, ग्रेन एवरेज यील्ड इज अबाउट 3.6 क्विंटल्स पर एकड़, 3.6 क्विंटल्स है, 3.6 क्विंटल्स है। तो उधर से आप वीट को कंपेयर करो, अगर आप वीट लगाते हो या राइस लगाते हो तो उसके 25 क्विंटल्स है। तो मतलब कितना बड़ा डिफरेंस है इसमें, एवरेज ग्रेन यील्ड इज अबाउट 3.6 क्विंटल्स पर एकड़। इट इज फेयरली रेजिस्टेंस टू जेलो मोजेक वायरस, इट इज जहाँ आप लिख लो इट इज रेजिस्टेंस टू जेलो मोजेक वायरस। सर रेजिस्टेंट टू जेलो YELLL जेलो मोजेक वायरस। ओके सर। नेक्स्ट इज द मार्च 338, मार्च 338। तो इट्स एवरेज ग्रेन यील्ड इज 3.5 क्विंटल्स, उसकी 3.6 थी, इट इज इसकी जो है 3.5 क्विंटल्स पर एकड़। तो इट इज आल्सो टॉलरेंट टू, इट इज टॉलरेंट टू जेलो मोजेक वायरस। टॉलरेंट टू जेलो मोजेक वायरस। तो मतलब ये दोनों में क्या है, वो रेजिस्टेंस है और ये टॉलरेंट है, तो ये दोनों में क्या फर्क हुआ, रेजिस्टेंस से क्या मतलब हुआ? सर वो उसको सह सकती है और ये नहीं वो उसको रेजिस्ट करती है, मतलब वो रेजिस्टेंस है, मतलब उसमें रेजिस्टेंस है कि उसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा, उसके ऊपर कोई उसका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको इसके ऊपर असर पड़ जाएगा इसका, चलो मुझे एक वायरस का ये है। रेजिस्टेंस और टॉलरेंस में भी ये ना पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन रेजिस्टेंस। जैसे आजकल हमारा इम्यूनिटी सिस्टम ड्यू टू कोविड-19 अगर स्ट्रॉन्ग था तो हम रेजिस्टेंस थे अगेंस्ट दी वायरस, ठीक है ना, और जिनका वीक था दे वर दी टॉलरेंट टू दैट वायरस, जिनको हो गया, ठीक है, ये है। तो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस है, यू राइट डाउन द टाइम ऑफ सोइंग, टाइम ऑफ सोइंग, सो द इरिगेटेड क्रॉप, सो द इरिगेटेड क्रॉप फ्रॉम 15 to 25th July. Sir, sow the irrigated crop from? Sow the irrigated crop from 15th to 25th July in the some mountainous region. 15th to 25th July in the some mountainous region. And from last week of June and from last week of June to first week of July in other area, from last week of June to first week of July in other area of the state. So next is the seed rate. Seed rate is similar here, it is 6 to 8 kg per acre. Seed rate is 6 to 8 kg per acre. Then is the method of sowing. Method of sowing. It should be sown in lines. Similar hi hai, jaise uska moong ka tha. It is method of sowing. It should be sown in lines 30 centimeter apart. मतलब रो टू रो डिस्टेंस मस्ट बी 30 सेंटीमीटर बाय यूजिंग द केरा और पोरा मेथड, केरा और पोरा मेथड विद ए सीड ड्रिल, विद ए सीड ड्रिल, और इसकी जो डेप्थ ऑफ सोइंग है दैट इज 4 to 6 सेंटीमीटर,
डेप्थ इसकी कितनी है, 3 to 4 to 6 सेंटीमीटर। अब इसमें इंटरक्रॉपिंग भी हो सकती है, आगे लिख लो इंटरक्रॉपिंग, मतलब इसके जो रोज हैं उसके इन बिटवीन दूसरी क्रॉप भी लगा सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग टू मेक कल्टीवेशन ऑफ माश, क्योंकि मैंने कहा ना कि इसकी यील्ड बहुत कम रहती है, तो दैट इज इट्स देयरफॉर नॉट इकोनॉमिकल। तो टू मेक कल्टीवेशन ऑफ माश मोर इकोनॉमिकल, मेज में भी इंटरक्रॉप्ड इकोनॉमिकल टू मेक इट मोर इकोनॉमिकल, मेज में भी इंटरक्रॉप्ड, मेज में भी इंटरक्रॉप एट एवरी फिफ्थ रो, एट एवरी फिफ्थ रो। जो है जैसे इसकी मूंग की हमने रोज लगाई हैं, तो मतलब आप 4 रो छोड़ के 5वीं रो में हम लगा सकते हैं मक्की को, ठीक है ना। तो नेक्स्ट इज वीड कंट्रोल, गिव वन होइंग एट 1 month आफ्टर सोइंग। सर क्या? वीड 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 कंट्रोल, वीड डब्ल्यू ओके डब्ल्यू ई डी वीड कंट्रोल, गिव वन होइंग एट 1 month आफ्टर सोइंग। एक ही सिर्फ आपको होइंग देनी है 1 महीने बिजाई के बाद। ओके देन इज दी फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। फर्टिलाइजर एप्लीकेशन में क्या है, ड्रिल एट सोइंग, ड्रिल एट सोइंग 5 kg ऑफ नाइट्रोजन, 5 kg ऑफ नाइट्रोजन अलोंग विद 10 kg ऑफ P2O5। ड्रिल सर। एट सोइंग 5 kg ऑफ नाइट्रोजन अलोंग विद 10 kg ऑफ P2O5 पर एकड़। ओके इरिगेशन, नेक्स्ट इज द इरिगेशन, द क्रॉप नॉर्मली नीड्स नो इरिगेशन। द सर क्रॉप क्या? ऐसे ही था, द क्रॉप नॉर्मली नीड्स नो इरिगेशन, ऐसे ही उसमें था मूंग में, द क्रॉप नॉर्मली नीड्स नो इरिगेशन इफ द रेनफॉल, इफ द रेन्स, सॉरी इफ द रेन्स फेल्स फॉर ए लॉन्ग पीरियड, इफ द रेन्स फेल फॉर ए लॉन्ग पीरियड देन अप्लाई वन इरिगेशन, देन अप्लाई वन इरिगेशन, तब आपको एक इरिगेशन देनी है। नाउ कमिंग्स टू दी प्लांट प्रोटेक्शन, प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स मीन्स इसमें इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीजेस। तो ये सिमिलर ही है, इंसेक्ट पेस्ट हेरी कैटरपिलर, जैसे मूंग में था हेरी कैटरपिलर। तो ये आपका उसी का ही, जैसे जस्ट लाइक मूंग में था, तो यू कैन राइट डाउन दी सिमिलर करेक्टर्स हेयर। तो नेक्स्ट इज इसमें जो बाकी है इंसेक्ट्स, दे आर दी वाइट फ्लाई, वाइट फ्लाई जेसेट, वाइट फ्लाई जेसेट, देन एफिड, ये सर एफिड, आप वाइट फ्लाई जेसेट एफिड, ए यस पी एच आई एफिड, टोबैको कैटरपिलर, पॉड बोरर एंड माइट, पॉड बोरर एंड माइट। तो इसकी जो डिटेल्स है रिगार्डिंग रिगार्डिंग इट्स डिटेल्स, तो यस यू कैन गो अंडर मूंग, जैसे मूंग में था, जैसे मूंग का था वही सिमिलर टू दैट, मतलब ये सिमिलर ही है, ठीक है ना। रिगार्डिंग इसका डिटेल्स यू कैन रीड अंडर मूंग, मूंग में जो डिस्कस किया था वही है। तो ओके सर। नेक्स्ट इज दी डिजीजेस, ये लास्ट वन जो है आपका डिजीजेस।
डिजीजें भी सिमिलर ही हैं, ये जैलो मोज़ेक वायरस है, वन इज जैलो मोज़ेक वायरस, ये भी हमने उसमें डिस्कस किया था। सर। देन सेकंड इज सेरोकोस्पोरा, CERCOSPORA, सेरस पोरा लीफ स्पॉट। तो देन इज दी बैक्टीरियल लीफ स्पॉट, बैक्टीरियल लीफ स्पॉट, ओके एंड लास्ट वन इज दी रूट रॉट, ये उसमें भी था मुंह में, रूट रॉट एंड वेब ब्लाइट, WEB, वेब ब्लाइट। इसका भी यही है कि मैं जैसे हमने मुंह में स्टडी किया है, सेम डिटेल्स आर लाइक। तो ये जो मूंग और माश है, विद दिस वी कंप्लीट दिस माश, तो ये आपने देखा कि मैं ऑलमोस्ट सिमिलर ही है सब कुछ मूंग और माश का, तो ओनली डिफरेंसेस ऑफ यील्ड, इसकी जो यील्ड है उसकी 5 to 6 क्विंटल्स है, इसमें जो वैरायटीज है उसकी यील्ड जो है थ्री सर, पॉइंट फाइव क्विंटल्स है, और कुछ एक बाकी सोइंग टाइम में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी मेथड ऑफ सोइंग, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस, इंसेक्ट पेस्ट, तो ऑल आर सिमिलर टू मूंग। तो ये विद दिस वी कंप्लीट मार्च, नेक्स्ट टाइम वी विल, अभी टाइम हो गया है आपका, क्या एक्सक्यूज मी आप तो सर, 10:50 है ना आपका, तो नेक्स्ट क्लास है ना मेरी इसके आपके सीनियर्स सर। की, तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस कॉटन। कॉटन इज वेरी इम्पोर्टेंट क्रॉप, जैसे आपकी राइस थी, ठीक है ना, तो कॉटन एक फाइबर क्रॉप भी है, उसके बारे में हम काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो आपने देखी नहीं, आपके एरिया में होती नहीं है वैसे, तो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द इंटरनेट, इसके प्लांट दिखाऊंगा कि कपास जो कॉटन आप कितनी यूजफुल है, इसके इकोनॉमिकल यूजेस क्या है, एज ए फाइबर कहाँ का यूज़ होता है इसका, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन वी विल मीट, आई थिंक इट इज ऑन, नॉट ऑन टुमारो, टुमारो, हाँ यस टुमारो देर नवंबर इज क्लास ना, तो वी विल डिस्कस इट, ओके, एंड ऑल द एक्सक्यूज बेस्ट, मी आई विल सर, टेक योर अटेंडेंस जस्ट अ मिनट। रिकॉर्डिंग भी ओके, देन ऑल दी बेस्ट, थैंक यू। हाँ सर आई हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग प्रैक्टिकल। बताइए बताइए। सर अपने फर्स्ट प्रैक्टिकल राइस एंड ट्रांस राइस की नर्सरी रेजिंग एंड ट्रांसप्लांटिंग करना है ना। हाँ वो मैं ना आपको जो सीरियल वाइज डेट वाइज मैं इसको भेजूंगा आज, नहीं तो कल, मैं ये सब लिख के ना आपको कि कौन सा सर प्रैक्टिकल पहले आएगा उसकी डेट क्या रहेगी। ओके सर। हाँ आई एम सेंडिंग दैट, तो मैं कुछ थोड़ा बिजी था तो आई विल सेंड यू, मैं अभी एक दो दिन में भेज रहा हूँ आपको, ये मैंने, आप उस दिन नहीं थे उसमें तो मैंने यस इनको सर बताया था, ठीक है ना, तो मैं आपको भेजूंगा तो अकॉर्डिंगली आप लिखना वो सब। ओके सर। हाँ